have the next topic which is amino acid have characteristic titration curve. तो इस lecture में हम titration curves के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Acid base titration involved gradual addition or removal of proton. तो ये जो acid और base का जो titration होता है ये involve करता है addition को या फिr removal को protons के जो हमें shown है. टाइट्रेशन कर्व ऑफ द डाइप्रोटिक फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन. तो हमें जो टाइट्रेशन कर्व है ग्लाइसिन का वो दिखाया हुआ है चैप्टर सेकेंड में. द प्लॉट हैज़ अ टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस करस्पॉन्डिंग टू डीपोलराइजेशन ऑफ द टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ग्लाइसिन. तो अब ये जो प्लॉट है इसमें क्या है, दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं जो क्या कर रही हैं, जो डीप्रोटोनेशन का काम कर रही हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स में ग्लाइसिन के. ईच ऑफ द टू स्टेजेस रिजेंबल्स इन शेप द टाइट्रेशन कर्व ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड. और ये जो दो स्टेजेस हैं ये रिजेंबल करती हैं जो शेप होता है टाइट्रेशन कर्व का उसे, ठीक है. एंड कैन बी एनालाइज्ड इन द सेम वे एट वेरी लो पीएच. बहुत कम पीएच में क्या होता है, जो प्रीडोमिनेंट आयनिक स्पीसीज होती हैं ग्लाइसिन की वो फुल्ली प्रोटोनेटेड होती हैं, फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म होती हैं इसकी एट द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट में क्या होता है, जो टाइट्रेशन होता है फर्स्ट स्टेज का इन विच सी ओ एच ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन लूजेस इट्स प्रोटोन इक्विमोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर स्पीसीज आर प्रेजेंट. तो इसमें क्या है, इक्विमोलर यानी कि इक्वलेंट मोल्स ऑफ जो कंसनट्रेशन है प्रोटोन डोनर्स की और प्रोटोन एक्सेप्टर्स की वो प्रेजेंट है. और मिड पॉइंट में क्या होता है, टाइट्रेशन के एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इनफ्लेक्शन इज रीच्ड वेयर पी एच इज इक्वल टू पी के ए ऑफ द प्रोटोनेटेड ग्रुप बीइंग टाइट्रेटेड. तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो कि इक्वल होता है पी के ए के. तो ये जो पी एच का जो मिड पॉइंट होता है ये 2.34 होता है. तो इसको हम सी ओ एच ग्रुप इसका जो है वो पी के ए है जो हमें लेबल हुआ है, ठीक है. और जो चैप्टर टू में हमने पढ़ा जो पी एच और पी के ए है वो सिंपली क्या होते हैं, कन्वीनियंट नोटेशंस होती हैं प्रोटोन कंसनट्रेशंस की इक्विलिबीरियम कॉन्स्टेंट की आयनाइजेशन में रिस्पेक्टिवली. सो द पी के इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप टू गिव अप अ प्रोटोन. तो ये जो पी के ए है ये हम मेज़र करते हैं, मतलब इसकी जो टेंडेंसी होती है एक प्रोटोन को डोनेट करने की या देने की, विद दैट टेंडेंसी डिक्रीजिंग टेन फोल्ड एज द पी के ए इंक्रीजेज बाय वन यूनिट. सो एज द टाइट्रेशन प्रोसीड्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रीच्ड एट पी एच 5.97. तो जैसे जैसे टाइट्रेशन आगे बढ़ता है तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि जब पी एच 5.97 हो जाता है तब वो रीच होता है. हेयर देयर इज़ अनदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन का, एट विच रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटोन इज़ असेंशियली कम्प्लीट एंड रिमूवल ऑफ सेकेंड हैज़ जस्ट बिगन. तो इसमें क्या होता है, जो पहला प्रोटोन होता है वो अच्छी तरीके से क्या हो चुका होता है, रिमूव हो चुका होता है, और जो दूसरा वाला प्रोटोन है उसका रिमूवल जो होता है वो शुरू हो गया होता है. एट दिस पीएच ग्लाइसिन इज प्रेजेंट लार्जली एट द डाइपोलर आयन. तो इस पीएच में जो ग्लाइसिन है वो डाइपोलर आयन्स में क्या है, बहुत मतलब लार्जली प्रेजेंट है. सो वी शैल रिटर्न टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन टाइट्रेशन कर्व. तो अब हम ये जो सिग्निफिकेंस है इसका ये हम कहाँ पे देखेंगे, टाइट्रेशन कर्व में देखेंगे. द सेकेंड स्टेज ऑफ टाइट्रेशन करस्पॉन्ड्स टू द रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन फ्रॉम NH3 प्लस ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन. तो अभी जो सेकेंड स्टेज होती है टाइट्रेशन की वो उसमें यही होता है कि हम जो प्रोटोन होता है उसको रिमूव करते हैं NH3 ग्रुप से ग्लाइसिन के. और ये जो पीएच होता है मिड पॉइंट पे इस स्टेज के वो होता है 9.60 जो कि पीकेए के इक्वल है, मतलब इक्वल फॉर NH3 ग्रुप. उसके बाद जो टाइट्रेशन है ये असेंशियली हम कंप्लीट करते हैं जब हमारा पीएच जो होता है वो 12 के, मतलब जब वो पीएच जो होता है वो 12 होता है यानी कि हाईली बेसिक है.
तो इस पॉइंट पे क्या होता है, ये जो प्री डोमिनेंस होती है ग्लाइसिन की, वो ऐसी होती है। तो हमें यहाँ पे एक टाइट्रेशन अम्यूनो एसिड का दिया हुआ है ग्लाइसिन का, तो जब हमने इसको पीके वन जो है, पीके वन यानी कि ये वाली जो वैल्यू है जहाँ पे पी है, जो ओएच है उसकी कंसंट्रेशन 0.5 है और ये एसिडिक है, यानी कि 7 से कम है, यानी कि एसिडिक है। तो एसिडिक में क्या हो रहा है, ये एच प्लस को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। और के टू में जब ये पीएच बहुत बढ़ा दिया हमने, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एच प्लस एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो हमें यही चीज़ दिखाई है कि जो टाइट्रेशन कर्व्स है, इससे हमें ये चीज़, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फर्स्ट इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पी के ए ऑफ ईच ऑफ द टू आयनाइजिंग ग्रुप। तो ये हमको पहले तो क्वांटिटेटिव मेज़र देता है पी के ए का, दो आयनाइजिंग ग्रुप जो हैं, दैट इज़ सी ओ एच और एन एच थ्री। तो सी ओ एच में जो इसका पी के ए है, जो पी के ए की जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो 2.34 की है, और एन एच थ्री में वो 9.60 की है। नोट दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन इज ओवर 100 टाइम्स मोर एसिडिक, मोर ईजीली आयनाइज देन द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एसिडिक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ग्लाइसिन का, वो 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट टू एसिटिक एसिड, ठीक है, विच एज वी सॉ इन चैप्टर सेकेंड, जो हमने देखा होगा, जो इसकी अदरवाइज जो अनसबटाइटेड जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो द प्रीटर्ब्ड पी के ए ऑफ ग्लाइसिन इज कर्स्ड बाई रिपल्शन बिटवीन द डिपार्टिंग प्रोटोन एंड नियर बाई पॉजिटिवली चार्ज अम्यूनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन एसिड एज डिस्क्राइब्ड इन फिगर 3-11। तो ये जो पी के ए होता है ग्लाइसिन का, ये क्या करता है, ये रिपल्शन करता है जो दो डिपार्टिंग प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में, और ये जो नियर बाय जो पॉजिटिव चार्ज अम्यूनो ग्रुप्स होते हैं, जो अल्फा कार्बन के अम्यूनो ग्रुप्स एसिड के ग्रुप एटम्स हैं, वो डिस्क्राइब्ड है। सो द अपोजिट चार्ज ऑन रिजल्टिंग ट्विटर आयन आर स्टेबलाइजिंग नजिंग द इक्विलिब्रियम फार्दर टू द राइट। तो ये जो ज्विटर आयन है, जो अपोजिट आयन है, ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश करता है, इसको शिफ्ट कर देता है थोड़ा सा राइट साइड में, और ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, मतलब ये स्टेबलाइजिंग का काम करता है ज्विटर आयन का। सो सिमिलरली द पी के ए ऑफ अम्यूनो एसिड इन ग्लाइसिन इज प्री परटर्बड डाउनवर्ड डाउनवर्ड रिलेटेड टू द एवरेज पी के ए ऑफ अम्यूनो ग्रुप। तो अब ये जो पी के ए होता है अम्यूनो ग्रुप का, जो कि ग्लाइसिन है, वो डाउनवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ को रिलेटिवली क्या है, मतलब जो एवरेज पी के ए अम्यूनो ग्रुप का, उससे अफेक्टेड है। सो दिस इफेक्ट इज ड्यू पार्टली टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, विच टेंड्स टू पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स देम इंक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ अम्यूनो ग्रुप टू गिव अप अ प्रोटोन। तो ये क्या करते हैं, ये पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इससे क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है अम्यूनो ग्रुप की वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्रोटोन्स की जो टेंडेंसी होती है अम्यूनो एसिड्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। हैंस द अल्फा अम्यूनो ग्रुप हैज़ पी के ए दैट इज़ लोअर देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमाइन सच एज मिथाइल अमाइन। तो जो अल्फा अम्यूनो ग्रुप होते हैं, जो कि पी के ए, जो पी के ए है, वो क्या होता है, वो कम होता है एलिफेटिक अमाइंस का, जैसे कि मिथाइल अमाइन हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट द पी के ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाई इट्स केमिकल इन्वायरमेंट। तो हमें शॉर्ट में ये बात पता चल गई है कि जो पी के ए है किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, वो बहुत ज़्यादा क्या है, अफेक्ट होता है केमिकल इन्वायरमेंट से, और ये जो फिनोमिना है समटाइम्स एक्सप्लॉइट इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स टू प्रमोट एक्सक्विटिवली अडेप्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्रीटर्ब्ड पी के ए वैल्यू ऑफ प्रोटोन डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक रेसिड्यूज।
तो ये जो फिनोमिना है, ये समटाइम्स मतलब ये एक्सप्लॉइट हम जो इसको उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, जो कि क्या करते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं, जो मैकेनिज्म होता है, जो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पीकेए वैल्यू पर डिपेंड करता है प्रोटोन डोनर्स और प्रोटोन एक्सेप्टर्स की। तो हमारे पास एक हमें दिया हुआ है फिगर जिसमें जो पीकेए है वो वैल्यू क्या हो रही है, वो आयनाइजिंग ग्रुप की ग्लाइसिन जो है, जिसमें जो क्या है ग्लाइसिन का वो जो कम है, सिंपल मिथाइल जो सब्सटीट्यूट अमीनो एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एंड दीज डाउनवर्ड परटर्बेशंस ऑफ पीकेए आर ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस की वजह से होता है। सिमिलरली जो केमिकल ग्रुप्स हैं जो इस पोजीशन पे हैं वो मतलब वो एक्टिव साइट के एंजाइम्स की, तो हमें एक दिया हुआ है यहाँ पे पीकेए जो है वो 4 से 6 के बीच में है, और इसमें जो नॉर्मल पीकेए है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो 4.8 दिया है, जो मिथाइल एमाइन है उसका 10.6 दिया हुआ है, फिर जो अल्फ़ा ग्लाइसिन है उसका 9.0 दिया है, और फिर इसका क्या दिया है ग्लाइसिन का 2.34 दिया है। तो ये जो सेकंड पीस इंफॉर्मेशन की हमें मिली है, जो हमें टाइट्रेशन कर्व है ग्लाइसिन का, इज़ दैट दिस अम्यूनो एसिड हैज़ 2 रीजन्स ऑफ बफरिंग पावर। तो ग्लाइसिन के पास 2 रीज़न होते हैं, मतलब उसकी जो बफरिंग पावर होती है उसके 2 रीजन्स होते हैं। वन ऑफ दीज इज़ द रिलेटिवली फ्लैट पोर्शन ऑफ द कर्व, एक जो होता है इसका वो मतलब वो होता है फ्लैट पोर्शन कर्व का, एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 pH यूनिट ऑन आइदर साइड ऑफ फर्स्ट पीके ऑफ 2.34। तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंड, ये जो 1 pH होता है, 1 pH यूनिट होती है, ये एक्सटेंड करती है पहला जो पीके होता है उसके 2.34 से, इंडिकेटिंग दैट ग्लाइसिन इज़ अ गुड बफर नियर दिस पीएच। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो ग्लाइसिन है वो एक अच्छा बफर है, मतलब इस पीएच के आसपास ग्लाइसिन इज़ अ गुड बफर। द अदर बफरिंग जोन इज सेंटर्ड अराउंड पीएच 9.60, और जो दूसरी बफरिंग जोन है वो 9.60 पीएच के अराउंड जो है वो सेंटर्ड है। That glycine is not a good buffer at pH of intercellular fluid or blood about 7.4। और इसके बाद क्या होता है कि जो glycine है वो अच्छा buffer नहीं है, जब उसमें क्या है 7.4 तक हम लेके जा रहे हैं तो ब्लड वगैरह में ये अच्छा बफर नहीं होता है ग्लाइसिन। सो विद इन द बफरिंग रेंज ऑफ ग्लाइसिन द हेंडरसन हेजल ब्लैश इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट प्रपोर्शन ऑफ प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर स्पीसीज ऑफ ग्लाइसिन रिक्वायर टू मेक अ बफर एट अ गिवन पीएच। तो अब अगर हमें ये निकालना हो कि जो ग्लाइसिन है वो मतलब किस उसमें एक अपना वो बफर जो है प्रोटोन एक्सेप्टर और प्रोटोन डोनेटिंग स्पीसीज का बता सकता है, तो उसके लिए हमें यही करना होता है, क्या करना होता है, हमें इस इक्वेशन में जो हेंडरसन हेजलबैच की इक्वेशन है हमें उस पर उसको मतलब उस पर लगाना है इन पॉइंट्स को गिवन उसको एट अ पर्टिकुलर पीएच जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। देन वी हैव टाइट्रेशन कर्व प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अम्यूनो एसिड। तो अब हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें टाइट्रेशन कर्व जो है वो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए है कि जो टाइट्रेशन कर्व है हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है अम्यूनो एसिड्स के उसे प्रिडिक्ट करने के लिए। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डराइव्ड फ्रॉम द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एन अम्यूनो एसिड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन का पीस है अम्यूनो एसिड ग्रुप का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज में एक पीएच में एक सॉल्यूशन के, जो पीएच है वो 5.97 है। द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन द टू स्टेजेस इन इट्स टाइट्रेशन कर्व। तो अब ये जो पॉइंट होते हैं दो स्टेजेस में इन टाइट्रेशन कर्व के, दैट इज ग्लाइसिन इज प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली एज इट्स डाइपोलर फॉर्म। तो जो ग्लाइसिन होता है वो उसकी डाइपोलर फॉर्म में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है।
फुल्ली आयनाइज्ड बट विद नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है ये, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। द कैरेक्टरिस्टिक पीएच एट विच द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ज़ीरो इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो वो पीएच जहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ज़ीरो हो रहा है एक उसका, उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर हम उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जिसको हम पीआई कहते हैं। फॉर ग्लाइसिन विच हैज़ नो आयनाइजेबल ग्रुप इन इट साइड चेन द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज सिंपली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू पी के ए वैल्यू। तो अब ये जो ग्लाइसिन होते हैं इनमें कोई भी मतलब ग्रुप आयनाइजेबल नहीं होता है, मतलब उनकी साइड चेन्स में। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं वो सिंपली अर्थमेटिक मीन होते हैं, जैसे जो पी आई है उसे हमने दिया है 1/2 पी के ए पी के 1+ PK2। तो जो उसका पी आई है वो हमारा निकल के आया है 5.97। एज एन एविडेंट हमें जो फिगर दिया हुआ है उसमें हमने देखा कि ग्लाइसिन हैज़ अ नेट नेगेटिव चार्ज एट एनी पी एच अबव इट्स पी आई। तो हमने ग्लाइसिन में एक केस देखा कि उसके पी एच के ऊपर, मतलब जो उसका पी आई है उसके ऊपर किसी भी पी एच में वो क्या दे रहा है, वो नेगेटिव दे रहा है, अपना जो चार्ज है वो नेगेटिव दे रहा है। एंड विल दस मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसीलिए वो क्या करता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ये क्या करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। When placed in an electric field, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये एनोड की तरफ मूव करता है। सो एट एनी पी एच बिलो इट्स पी आई, तो कोई भी ऐसा पी एच जो कि उसके पी आई से नीचे है, ग्लाइसिन हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज एंड विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो उसके पी आई से मतलब उसके जो पी आई से नीचे जितना भी पी एच है उसमें जो ग्लाइसिन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। द फार्दर द पी एच ऑफ ग्लाइसिन सॉल्यूशन इज़ फ्रॉम इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द ग्रेटर द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा दूर जो पी एच है ग्लाइसिन का सॉल्यूशन का वो है उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से, उतना ज़्यादा क्या होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉपुलेशन का ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल का उतना ज़्यादा होगा। एट पी एच वन, मतलब जब पी एच वन है, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन एग्जिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली एज द फॉर्म दिस, मतलब जो ग्लाइसिन है वो इस फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट करता है, विद अ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1। तो इसमें जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो 1 है। एट पी एच 2.34, अब पी एच हमें 2.34 दिया है, वेयर देयर इज एन इक्वल मिक्सचर ऑफ इतना एंड इतना। हमारे पास जब ग्लाइसिन के फॉर्म में एक मतलब NH3 पॉजिटिव है तो वो हमें नेट पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और जब हमारे पास दोनों इक्वल, अब जो हमारा एवरेज जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, तब जब दोनों यानी कि दोनों मतलब इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको दिख रहा होगा तो ये और ये, इन दोनों ये जब नेट ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो इनका जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, वो 0.5 है। द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज ऑफ एनी अम्यूनो एसिड एट एनी पी एच कैन बी प्रिडिक्टेड इन द सेम वे। तो हम किसी का भी जो साइन है और मैग्नीट्यूड है नेट चार्ज का अम्यूनो एसिड के किसी भी पी एच में हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। Now we have the next topic which is amino acids differ in their acid base property. तो ये जो amino acids होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपनी acid और base की जो properties होती हैं उनमें इनका मतलब ये differ करते हैं, अलग अलग होते हैं। The shared properties of many amino acids permit
सम सिंपली सिंप्लीफाइंग जनरलाइजेशन अबाउट देयर एसिड बेस्ड बिहेवियर्स. तो कुछ मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं अम्यूनो एसिड्स की जो मतलब जो जनरलाइजेशन करती हैं जो एसिड बेस का जो बिहेवियर होता है उसे. फर्स्ट, ऑल अम्यूनो एसिड हैव अ सिंगल अल्फ़ा अम्यूनो ग्रुप. तो जितने भी अम्यूनो एसिड होते हैं उन सब में एक अल्फ़ा अम्यूनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि एक सिंगल अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. एंड एन आर ग्रुप दैट डज नॉट आयनाइज हैव टाइट्रेशन कर्व रिजेंबलिंग दैट ऑफ ग्लाइसिन. तो कुछ आर ग्रुप होते हैं जो आयनाइजेशन जो टाइट्रेशन कर्व होता है उससे रिजेंबल करते हैं मतलब ग्लाइसिन के. दीज अम्यूनो एसिड हैव वेरी सिमिलर ऑल्दो नॉट आइडेंटिकल पी के ए वैल्यू. तो इनके पास कुछ क्या है, कुछ सिमिलर अम्यूनो एसिड्स हैं लेकिन इनकी कोई आइडेंटिकल मतलब वो नहीं होती हैं, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते बट कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे पी के ए वैल्यू है सी ओ एच की ग्रुप की, वो रेंज करती है 1.8 से 2.4 तक. अब जो पी के ए है एन एच थ्री ग्रुप का वो 8.8 से 11.0 तक क्या करता है, वेरी करता है. सेकेंड, अम्यूनो एसिड विद आयनाइजेबल आर ग्रुप हैव मोर कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन कर्व. और वो अम्यूनो एसिड जिनमें आयनाइजेबल आर ग्रुप होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन कर्व क्या होता है वो शो करता है विद थ्री स्टेजेस करस्पॉन्ड टू द थ्री पॉसिबल आयनाइजेशन स्टेप. तो इसमें तीन पॉसिबल आयनाइजेशन स्टेप होते हैं, दस दे हैव थ्री पी के ए वैल्यू और इसीलिए इसके पास तीन पी के ए वैल्यू होती हैं. द एडिशनल स्टेज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द आयनाइजेबल आर ग्रुप मर्जेस टू सम एक्सटेंड विद द अदर. और ये जो आयनाइजेबल आर ग्रुप की जो मतलब होती है टाइट्रेशन में वो क्या करती है, वो कुछ एक्सटेंड तक क्या करती है एक दूसरे पर डिपेंड करती है. सो द टाइट्रेशन कर्व फॉर टू अम्यूनो एसिड इज मतलब अम्यूनो एसिड ऑफ दिस टाइप. तो ग्लूटामेट और हिस्टिडीन का अगर हमें शोन है 3.12 में तो ये है कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट होता है जो नेचर होता है आयनाइजेशन ग्रुप का उससे. तो इसमें हमें ग्लूटामेट दिया हुआ है. तो अब हमारे पास जो पी के वन वैल्यू है जब हम उसमें ये शो कर रहे हैं तो यहाँ से एक एच उड़ गया, मतलब यहाँ से एक एच उड़ गया, उसके बाद यहाँ से भी एक एच उड़ गया. तो जो पी के टू वैल्यू है इसमें ये पूरा ऐसा है. तो हमें ग्लूटामेट का भी दिया हुआ है, वैसे ही हमें हिस्टिडीन का भी दिया हुआ है. तो हमें टाइट्रेशन कर्व इनका दिया हुआ है, ये देखते हैं हम. तो इसका जो पी के वन वैल्यू है वो 2 PH पे है, पी के ए वैल्यू इसकी 4 पे है और ये जो है ये स्पेस की क्या है, पी के 2 वैल्यू है. इसी तरीके से हिस्टिडीन का ये है आर ग्रुप. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज, तो जो ये इनका पी आई है वो कंसिडरेबली लो है ग्लाइसिन के कंपैरिजन में, किनका, ग्लूटामेट का. तो दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका जो पी आई है वो कंपैरेटिवली कम है ग्लाइसिन से. और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है विद एट एवरेज ऑफ पी के ए वैल्यू 3.22. तो इनका जो कंट्रीब्यूट, ये किस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करता है, जो नेट -1 चार्ज है उसको बैलेंस करता है +1 से. कोई भी अम्यूनो एसिड कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए. तो सिमिलरली जो पी आई है हिस्टिडीन का दो ग्रुप्स के लिए वो पॉजिटिवली चार्ज होता है जब उसमें क्या है, जो प्रोटोनेटेड होता है वो 7.56 और ये क्या होता है, ये हाइयर होता है ग्लाइसिन के कंपेरिजन में. तो फाइनली एज अपॉइंटेड आउट अर्लियर अंडर द जनरल कंडीशन फ्री एंड ओपन एक्सपोजर ऑफ एक्वस इन्वायरमेंट ओनली हिस्टिडीन हैज़ एन आर ग्रुप. तो सिर्फ एक हिस्टिडीन होता है जिसके पास आर ग्रुप होता है
प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बफरिंग पावर नियर न्यूट्रल पीएच यूजुअली फाउंड इन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो ये जो बफरिंग पावर है न्यूट्रल पीएच की, जो कि यूजुअली इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स में एनिमल्स के और बैक्टीरिया के शोन है। नाउ वी हैव, हमारे पास अब इसमें क्या दिया है, हमें इसकी समरी दी हुई है हमें। फाइनली जो 20 अम्यूनो एसिड हैं वो कॉमनली हमें मिलते हैं, रिसीड्यूज़ होते हैं जो प्रोटीन्स के, जो कि अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फ़ा अम्यूनो एसिड को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। इसमें एक डिस्टिंक्ट आर ग्रुप होता है जो कि अल्फ़ा कार्बन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। तो अल्फ़ा कार्बन एटम होता है जितने भी अम्यूनो एसिड के होते हैं, ये इसमें एक्सेप्शन होता है ग्लाइसिन का, मतलब ग्लाइसिन का, क्योंकि ग्लाइसिन एसिमेट्रिक होता है। और जो बाकी सब होते हैं अम्यूनो एसिड, वो दो स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म्स में मिलते हैं, और इनमें एल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जो सिर्फ वही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ मिलती है, एल वाली कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोटीन्स में मिलती है। इसके बाद जो लेस कॉमन अम्यूनो एसिड होते हैं जो हमें मिलते हैं, वो हमें कंस्टिट्यूएंट्स में मिलते हैं प्रोटॉन्स के, जो मोडिफिकेशन है कॉमन अम्यूनो एसिड रेसिड्यू का, एक फ्री मेटाबोलाइट्स की तरह। उसके बाद जो अम्यूनो एसिड हैं वो हमें पांच, मतलब उनके क्लासिफिकेशन पांच टाइप के हैं, उनकी पोलैरिटीज और चार्जेस के बेसिस पे, या फिर उनके आर ग्रुप के बेसिस पे। अब ये जो अम्यूनो एसिड हैं वो वेरी करते हैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टी में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो इनका टाइट्रेशन कर्व है उसमें। जो मोनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और जो डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं, लो पीएच में वो एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं सेवरल डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स जो हैं वो पीएच की, वो इंक्रीज होती हैं। उसके बाद जो अम्यूनो एसिड होता है जिसमें आयनाइजेबल आर ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, एक एडिशनल आयनिक स्पीसी होती है जो डिपेंड करती है पीएच में मीडियम के और पीकेए में आर ग्रुप के। तो ये हमारा यहाँ पे टाइट्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में, कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, और ये क्या पेप्टाइड्स की जो चेन होती है अम्यूनो एसिड्स की। वी विल डिस्कस दिस इन आर नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग।